लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट बताएंगे, साथ ही आपके स्टेट में कौन सी जॉब है वो भी बताएंगे। साथ ही यूपीएससी NDA 2 का फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखला दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सभी लाइव आ जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें ऑलरेडी 1,22,000 लोग जुड़े हुए हैं। आप अगर नए हो तो आप भी जुड़ जाइए इस ग्रुप में। आपको इंडिया में आने वाले सारे गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट आपको इस ग्रुप में मालूम चल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे यूपीएससी CDS 2 की वैकेंसी आई है। अच्छा, साथ ही मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि आप अगर इस ग्रुप में जुड़ जाते हो तो मैं आपको, आप में से किसी एक लोग का कोई भी नई वैकेंसी आती है तो इस ग्रुप से उठा के फॉर्म भर देता हूँ आप में से किसी एक लोग का फ्री में अपनी साइड से। ठीक है, इससे आप लोग में से किसी एक की हेल्प हो जाती है। साथ ही मैं फॉर्म भरता हूँ तो वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए वो वीडियो को अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग उस वीडियो को देख के भी अपने से फॉर्म भर पाओ। तो आप जरूर से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, काफ़ी बेनिफिशियल है जॉब के व्यू से भी, और आपको वैसे फॉर्म फिलअप तो मैं कर ही दूंगा आप में से किसी एक लोग का। तो आप देख सकते हो यूपीएससी CDS की वैकेंसी आई है, सारे ग्रेजुएट BTech के लिए। 1 मिनट, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे मोबाइल पे, हर समय नोटिफिकेशन आता है तो मुझे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहली वैकेंसी जो है यूपीएससी CDS से है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। देन आपको यहाँ पे NDA की वैकेंसी भी शेयर की गई है, ये आपको अप्लाई लिंक है वेबसाइट का, और ये वाला आपको वीडियो का लिंक है। ये देखो आप, नगर पालिका में वैकेंसी आई है, इसी तरह आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है, फॉर्म भरा जा रहा है। कल की लाइव में मैंने फॉर्म खोलकर दिखला दिया था दिल्ली पुलिस का, अगर आपने नहीं देखा है तो कल का लाइव वीडियो देख लेना। इसी तरह इस ग्रुप में आपको इंडिया में आने वाली सारी जॉब्स के अपडेट मिल जाएंगे, तो आप जरूर से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब चलिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट करके हमसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे आज जो पहली वैकेंसी आई है वो आई है सैनिक स्कूल मणिपुरी से, और यहाँ पे 20 टीचर्स व अन्य पदों पर वैकेंसी है जिसके लिए 10वीं पास ग्रेजुएट प्लस बीएड वाले अप्लाई करेंगे। सैलरी मिल जाएगी यहाँ पे 12,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये अराउंड के, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखो आइए, हर्ल्ड के डिपार्टमेंट से यहाँ पे 390 नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं जिसके लिए डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे, साथ ही एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी मिलेगी 20 से 40 हज़ार रुपये की, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखो यहाँ पे जो है वो आपको है यूपीएससी NDA से, यहाँ पे 400 आर्मी नेवी व एयरफोर्स ऑफिसर्स के पोस्ट हैं जिसके लिए 12वीं पास अप्लाई करेंगे। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, स्टार्टिंग में 60,000 की सैलरी मिल जाएगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए कोई फीस भी नहीं है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी देखो जो है वो, और यहाँ पे JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी आई है जिसके लिए BE BTech अप्लाई करेंगे। सैलरी मिलेगी 31,000 की, ऑल इंडिया वैकेंसी, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है यूपीएससी CDS 2 की, और यहाँ पे 339 कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज से वैकेंसीज हैं जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट व BTech वाले अप्लाई करेंगे। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट करके पूछिए मुझसे। आपको अगर आपकी स्टेट की वैकेंसीज जानना है या फिर आपको आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी जानना है, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो इस वीडियो में, आपको आपके स्टेट की जॉब या फिर आपके क्वालिफिकेशन वाइज जॉब्स बता दूंगा। तो जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो कमेंट करके। दोस्तों अगली वैकेंसी देख लो, यहाँ पे सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से है, और यहाँ पे 1,000 अप्रेंटिस के पोस्ट हैं ITI डिप्लोमा सॉरी ITI ग्रेजुएट व MCOM के लिए। स्टिपेंड मिलता है यहाँ पे 7,700 से 9,000 रुपये की, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगली वैकेंसी है IGI एविएशन से, यहाँ पे 1,095 कस्टमर सर्विस एजेंट के पोस्ट हैं जिसके लिए 12वीं पास अप्लाई करेंगे। सैलरी मिल जाएगी काफ़ी अच्छी, 15 से 25,000 की, और इंडिया वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
अब चलिए हम देख लेते हैं यूपीएससी एनडीए वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरना है। उसके बाद आप अपना सवाल पूछना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा यूपीएससी एनडीए की वैकेंसी। अगर आपको इस वेबसाइट का नाम नहीं मालूम है तो मैं बता दूं आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं टाइप कर देता हूँ इसकी वेबसाइट का यूआरएल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इस वेबसाइट पे आके आप अपने स्टेट की गवर्नमेंट जॉब्स देख सकते हो, या फिर अपनी क्वालिफिकेशन वाइज 10वीं पास या 12वीं पास या ग्रेजुएट या कोई भी वैकेंसी आप देख सकते हो, ठीक है। आपको वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स खोलने के लिए इसके टाइटल पे क्लिक करना है, देन आप देखोगे कि इसका कंप्लीट डिटेल खुल जाएगा। अब आप नीचे जाओगे तो इस वैकेंसी का पहले तो 100 डिटेल्स दिया है इस टेबल में, जो कि आप देख सकते हो, और नीचे में इसका कंप्लीट वैकेंसी डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। और एकदम लास्ट में आप जाओगे ना, देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, इसको आपको डाउनलोड करके पढ़ना होगा। और फॉर्म भरने के लिए देखो यहाँ पे यूपीएससी एनडीए टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, आपको फॉर्म भरने के लिए सिंपली क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखो यूपीएससी की वेबसाइट पे आ जाओगे, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखलाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीडीएस और एनडीए दोनों की फॉर्म आप इसी पेज से भर सकते हो। सीडीएस के लिए कोई भी ग्रेजुएट बीटेक अप्लाई करेंगे और एनडीए के लिए 12वीं पास अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 7 जून 2022 है लास्ट डेट। हाँ, फॉर्म कैसे भरना है तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन दिया हुआ, आपको सबसे पहले ये पूरा करना है। एनडीए का फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे वाले इस लिंक पे क्लिक करना होगा, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ देखो ये पेज खुला है, हमको इस पे नीचे जाना होगा और यहाँ पे देखो यस एंड नो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको यस पे क्लिक करना है। तो देखो ये रहा हमारा पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको मैं थोड़ा और जूम करके दिखलाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना नाम, देन यहाँ पे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, मदर का नाम, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी, देन आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं ये भरना है, देन आपको बाकी सारे डिटेल्स को भरने हैं, अपने एड्रेस को भरने हैं, और लास्टली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़े का एक बटन है, इस पर क्लिक करना है और बाकी सारे डिटेल्स को फिलअप करके यहाँ से आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। इसको भर लोगे तो वो यूजर नेम पासवर्ड को सेव कर लेना, कहीं रख लेना लिख के, और इसका एक प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। फिर बैक जाओगे आप सेम वेबसाइट पे, एक मिनट, यहाँ से नहीं जा सकते, हमको जाना होगा फिर से आपको रिक्रूटमेंट हब की वेबसाइट पे, ठीक है। हमको फिर आपको बैक नहीं जा सकते वहाँ पर, ठीक है। फिर से इस वेबसाइट पर लास्ट में जाओगे आप, तो फिर आपको क्लिक हेयर पे ही क्लिक करना है फॉर्म भरने वाले लिंक पे। इस पेज पे फिर से आप आ जाओगे, यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है ना, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन का देखो लिंक है यहाँ पे, अब आपको इस पे क्लिक करना है। तो ये वाला जो है ना, आपको ये पेज आपको केवल लैपटॉप पे खुलेगा, ये मोबाइल पे नहीं खुलेगा, तो आपको इस वैकेंसी का फॉर्म अपने कंप्यूटर पे जाकर ही भरना होगा, ठीक है। कैसे भरोगे आप, पार्ट 2 वाले जो रजिस्ट्रेशन वाला लिंक है ना दोस्तों, आप इस पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ फिर से फॉर्म खुलेगा, उसको आपको फिलअप करना है, उसका भी प्रिंट आउट ले लेना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फॉर्म भरना है। इस तरह आप यूपीएससी NDA 2 का फॉर्म भर पाओगे। दोस्तों आप लोग सवाल नहीं कर रहे हो आज, कोई भी कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोग को मेरी आवाज़ मिल रही है? आप एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, क्योंकि ये लाइव सेशन होता है आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, तो जो भी सवाल है आपका आप कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरह आप यूपीएससी NDA 2 का फॉर्म भर सकते हो। वैसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में से किसी एक लड़के का या लड़की का फॉर्म भर दूंगा कल या परसों, मैं इसका पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैं भर के आपको शेयर कर दूंगा वीडियो बनाकर इसी चैनल पे। अब आप लोग का जो भी सवाल है कमेंट करिए और पूछिए, आपको कौन सी वैकेंसी जानना है या किस स्टेट की वैकेंसी जानना है, या फिर आप किस क्लास में हो जिसका वैकेंसी आप जानना चाहते हो, कमेंट करिए और पूछिए। बाकी हम चलते हैं अपने दूसरी वेबसाइट पर और आपको देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। अच्छा, किसका एज लिमिट जानना चाहते हो? यूपीएससी एनडीए का? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे एक और वैकेंसी आई है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो एक एयर इंडिया में वैकेंसी आई है जिसके लिए ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे, अकाउंट रिलेटेड, MBA, CA, ICWS सब लोग अप्लाई कर सकते हैं।
सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है। दो पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है, एक पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। एयर इंडिया की वैकेंसी है और यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, केवल इंटरव्यू बेसिस पे है, तो आप इसको देख लेना अगर आप ग्रेजुएट हो तो। देखो अगली वैकेंसी है यूपीएससी सीडीएस से, मैंने बताया आपको ग्रेजुएट के लिए, बीटेक के लिए, और ये है एनडीए की लिमिट क्या है। चलो अब सवाल आ रहा है, हाय अनुराग देन हाय आशु साक्या। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूपीएससी एनडीए में एज लिमिट क्या है कि आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि आपका उम्र कब से कब तक होना चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। देखो यहाँ पे एज लिमिट लिखा हुआ है, देख रहे हो, यहाँ बोला जा रहा है कि आप इस वैकेंसी का फॉर्म तभी भर सकते हो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर आपकी शादी नहीं हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। सेकेंडली आपका जन्म जो होना है ना वो आपको 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए, मतलब है 3 जनवरी 2004 में हो या फरवरी में हो, 2004 में 2 जनवरी के बाद होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 से पहले होना चाहिए तो ही आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो। तो अपना डेट ऑफ बर्थ देख लो क्या है, इसके बीच में पड़ता है कि नहीं, अगर है तो फॉर्म भर सकते हो। छत्तीसगढ़ का जॉब पूछ रहे हैं अनुराग, तो चलिए हम उनको छत्तीसगढ़ का जॉब बता देते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले रिक्रूटमेंट हब की वेबसाइट पे, जिनको हमारी वेबसाइट का नाम नहीं मालूम है वो सिंपली देख लें यहाँ पे, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। या मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, अगर आप एड्रेस बार में जाते हो, गूगल में मत जाना, एड्रेस बार में जाओगे तो आप सिंपली आर हब लिख के भी टाइप करोगे ना, आर हब डॉट इन, तो रिक्रूटमेंट हब ही खुलेगा। जैसे फेसबुक को हम fb.com करके खोल लेते हैं, उसी तरह रिक्रूटमेंट हब को आर हब डॉट इन भी करोगे तो खुलेगा रिक्रूटमेंट हब ही। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की, देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, छत्तीसगढ़ में 4 जॉब्स सेंट्रल गवर्नमेंट की है। पहली वैकेंसी है इंडिया पोस्ट में, छत्तीसगढ़ वाले अप्लाई कर सकते हैं, अराउंड 39,000 की वैकेंसी है, कोई एग्जाम नहीं है वहाँ पे, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और गर्ल्स का फीस भी फ्री है। छत्तीसगढ़ वाले फॉर्म भर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी इंडिया पोस्ट की आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी, या यूट्यूब पे आपको मैंने वीडियो भी बना दिया है पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसी का, साथ ही उसका फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैंने बता भी दिया है। दूसरी वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC के डिपार्टमेंट से, उसके लिए 10वीं पास 12वीं पास साथ ही ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है वहाँ पे, सैलरी 30-40 हज़ार की मिल जाएगी, तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ वाले अप्लाई कर सकते हैं। देन आज यूपीएससी एनडीए बताया हूँ उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, देन आपको यूपीएससी सीडीएस की बताया हूँ उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये 4 वैकेंसी के लिए छत्तीसगढ़ वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखो कौन सी वैकेंसी आपके लिए है, तो अभी आपको छत्तीसगढ़ में तीसरी कोई वैकेंसी नहीं है, सबका डेट निकल चुका है। लास्ट वैकेंसी जो थी छत्तीसगढ़ की स्टेट की वो 16 अप्रैल को आई थी, जिसका डेट अभी 14 मई को चला गया है। तो छत्तीसगढ़ में 4 वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आप भर सकते हो। अच्छा बहुत सारे सवाल आ चुके हैं फिलहाल, अच्छा अभी तक सवाल क्यों नहीं आया था मुझे समझ में नहीं आया, अचानक बहुत सारे सवाल आ गए, चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या सवाल है सबके। हाय आशु साकिया देन जैकी पटेल बोलते हैं, हेलो हेलो अनुराग, आपका रिप्लाई मैंने कर दिया, आपको 4 वैकेंसी बता दी आपकी स्टेट की। अच्छा जैकी पटेल बोलते हैं 5/9/2004 हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हो, वहाँ पे जनवरी बोला था ना, 2 जनवरी 2004 बोला था शायद, तो आपका सितंबर में है तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जैकी पटेल आपको बोल रहा हूँ, हाय रेशमा देन हाय आकाशदीप, क्या बोलते हो सर, 10th पास मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा 10th पास में मेडिकल स्टूडेंट, समझ में नहीं आया, क्योंकि 12th से तो बायो सब्जेक्ट होता है, ये 10th पास में मेडिकल कैसे हुआ कोई आइडिया नहीं, लेकिन 10th पास की जॉब्स है ना बहुत सारी है, मेडिकल लाइन की नहीं है वो। आप बोलोगे तो 10th पास में मैं जॉब्स बता देता हूँ कौन कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी है, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो आप देख सकते हो 10वीं पास में जो पहली वैकेंसी है वो आपको आई है उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल मणिपुर मेनपुरी से, यहाँ पे 20 टीचर व अन पोस्ट हैं, अन पोस्ट के लिए 10वीं पास अप्लाई करेंगे, इसके लिए ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं प्लस बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी मिलती है 12,000 से 44,900 रुपये की, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म आप 3 जून तक भर पाओगे। अगली वैकेंसी है आंगनवाड़ी से, नाम देख लो क्या है इसका, बहुत टिपिकल नाम है,
और यहाँ पे आपको 86 आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर के पोस्ट हैं। इसके लिए चौथी पास, नौवीं पास, बारहवीं पास अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे सैलरी एज पर रूल्स मिलती है, जो भी आंगनवाड़ी में मिलती है, कोई फीस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगा। अगली वैकेंसी देखो, 10वीं पास के लिए इंडियन आर्मी में है, LDC स्टीनो, फायरमैन, लाइब्रेरियन, मैसेंजर व अन्य पदों पर। इसके लिए 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मिलती है अच्छी, कोई फीस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म भी आप भर सकते हो 10वीं पास। हाँ, अगली वैकेंसी देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ पे SSC से, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फेज 10 की वैकेंसी है। यहाँ पे 1920 पोस्ट हैं, 10वीं पास, 12वीं पास ग्रेजुएट के लिए। और इसके लिए आपको सैलरी काफ़ी अच्छी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फीस भी नहीं है गर्ल्स के लिए, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी 10वीं पास वाले अप्लाई करेंगे। अगली वैकेंसी जो है 10वीं पास के लिए, एक्चुअली 10वीं पास के लिए वैकेंसी नहीं है, तो इसके लिए मैं बताता नहीं हूँ आपको। हाँ, अगली वैकेंसी एक और है आपको, जो कि है आपको इंडियन आर्मी से ही, यहाँ पे 65 कुक, ट्रेड्समैन, मेट, चौकीदार व अन्य पदों पर है। 10वीं पास, ग्रेजुएशन के लिए, सैलरी एज पर रूल्स है, मतलब यहाँ 30-40 हज़ार की सैलरी मिल जाएगी इंडियन आर्मी में। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसका भी सेम ही है आपको। आपको देखो यहाँ पे जीरा कोर्ट प्योन, अच्छा ये लुधियाना कोर्ट में वैकेंसी आई है 37 प्योन की, प्रोसेस सर्वर की। और इसके लिए 8वीं 10वीं पास अप्लाई करेंगे, सैलरी अच्छी मिल जाएगी, 5 हज़ार से 10 हज़ार की मिलेगी, कोई एग्जाम नहीं है, कोई फी भी नहीं है। देन फिर आपको एक और आंगनवाड़ी की वैकेंसी है, आंगनवाड़ी चिक्का बल्लापुर की। यहाँ पे भी 76 आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर के पोस्ट हैं, जिसके लिए चौथी पास, नौवीं पास, 10वीं पास फॉर्म भरेंगे। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं अभी, ठीक है, 10वीं पास की। देखिए पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के लिए, 10वीं पास की है, सीधी भर्ती है, बम्पर भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुल पद है यहाँ पे 38,926। और इसके लिए ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का डेट निकल चुका होगा, सपोज AIASL की वैकेंसी का डेट निकल चुका होगा, हाँ 14 मई को निकल गया इसका डेट, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी 10वीं पास की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो रेशमा पूछते हैं, यूपी का जॉब बताओ सर प्लीज। चलिए आपको यूपी का जॉब बताते हैं रेशमा, चलते हैं हम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कैटेगरी में हम जाते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहली वैकेंसी तो यही है, सैनिक स्कूल मेनपुरी से। यहाँ पे 20 टीचर व अन पोस्ट है, जिसके लिए 10वीं पास, ग्रेजुएट, साथ में बीएड होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी मिलती है 12 से 44,900 की, कोई एक्सपीरियंस नहीं, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरोगे, सिंपली इस पे टाइटल पे क्लिक करोगे, नीचे अंदर जाओगे और इसके सारे कंप्लीट डिटेल्स को पढ़ लेना। लास्ट में जाओ तो देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन होता है यहाँ पे, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन है यहाँ पे, यहाँ से आपको अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ना है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको प्रिंट आउट करवा लेना है कागज पे और उस पर फिलअप कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे एड्रेस दिया है भेजने का, ठीक है, भेज के ऑफलाइन फॉर्म है। इसी तरह सारा वैकेंसीज का फॉर्म भरते हैं। अगली वैकेंसी देखो UPPCL में है, उत्तर प्रदेश में है जो, वो आपको UPPCL से है। यहाँ पे 24 कैंप असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे, सैलरी झक्कास मिलती है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखो NHM यूपी से, यहाँ पे 18 मिडवाइफरी एडवोकेटर की पोस्ट है, जिसके लिए BSc MSc अप्लाई करेंगे और सैलरी अच्छी मिल जाएगी, केवल महिलाओं के लिए है ये। बाकी अगली वैकेंसी का डेट निकल गया है, बाकी और 4 वैकेंसीज आप लोगों के लिए है, मैं बता दूँ आपको। एक तो है UPSC CDS से ग्रेजुएट व BTEC के लिए, दूसरी है UPSC NDA से 12वीं पास के लिए, तीसरी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट के लिए, चौथी है पोस्ट ऑफिस से। यूपी वाले उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये 4ों वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया के लिए, जॉब भी आपको अपने स्टेट में मिल जाएगा। चलिए आकाश दीप पूछते हैं, कोई भी क्या अपना स्टेट बताओ आप तब तो। खबरेज बोलते हैं 24 इंच के लिए कोई कोई वैकेंसी, 24-25 24 प्लस के लिए तो बहुत सारी वैकेंसीज है ना। आपको वेबसाइट पे जाकर देखना होगा अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग कोई जॉब देखता है क्या। या तो आप अपने स्टेट का जॉब देखोगे, या तो आप अपने क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखोगे। आप कौन ऐसा बोलता है कि सर 25 साल का जॉब चाहिए, ऐसा कोई बोलता है क्या। अच्छा, जैकी पटेल का सवाल फिर से आ रहा है, भाई बिहार में कोई जॉब है तो बताओ। बताया ना 4 वैकेंसीज है बिहार में अभी फिलहाल। 10वीं पास हो तो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है 40 हज़ार अराउंड, बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले डिटेल्स। 12वीं पास हो तो UPSC NDA की वैकेंसी है,
दसवीं बारहवीं या ग्रेजुएट के लिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी है। चौथी आपको यूपीएससी सीडीएस की वैकेंसी है, कोई भी ग्रेजुएट बीटेक के लिए। ये चार वैकेंसीज बिहार में है, उसके अलावा कौन सी है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं बिहार के स्टेट में। तो लास्ट में जाओगे तो आप देखोगे कैटेगरीज का यहाँ पे सेक्शन है, ठीक है। इसमें आप नीचे आओगे तो देखोगे बिहार है, यहाँ पे बिहार में चलते हैं। तो बिहार में भी कौन सी वैकेंसी है, तो देखो बिहार में डेट निकल चुका है फिलहाल, 5 मई को लास्ट डेट था इसका। अभी फिलहाल बिहार में आपको वैकेंसी जो मैंने चार बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वही वाली है। फॉर्म भर दो, अच्छी वैकेंसीज है चारों के चारों सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबका वैकेंसी डिटेल्स का वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पे, साथ ही आपको पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरने का वीडियो भी मिल जाएगा चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, रेशमा का सवाल है फिर से सर। नो नी क्या लिख रहे हो कि प्रॉब्लम है, कैसे करें सर? नो नी क्या होता है सर? नो समझ में नहीं आया, एनडीए में सर समझ में नहीं आया आपका सवाल क्या है, नोनी क्या है पता नहीं। जैकी पटेल पूछते हैं 18 के लिए बिहार के लिए, अच्छा पोस्ट ऑफिस के लिए 18 साल वाले भर सकते हैं तो फॉर्म। सारी वैकेंसीज में आपको 18 साल के प्लस लोग अप्लाई करते हैं। एनडीए में स्पेशल केस है, आर्मी उर्मी की जॉब है तो वहां पे आपको स्पेसिफाई कर देता है 24 साल की उम्र के लोग अप्लाई करेंगे। बाकी सारे के लिए तो 18 प्लस और 40 के नीचे वाले अप्लाई करते हैं, 18 40 का जनरली होता है, 18 से 30 32 40 37 यही होता है एज लिमिट, ठीक है। तो इसमें फिर से सवाल कर रही है नोनी की प्रॉब्लम, नोनी क्या है भाई मुझे पता नहीं है, बात समझ नहीं पाया आपकी। आंसू पूछते हैं एनडीए के लिए कौन से सब्जेक्ट में 12th होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में, आपने देखा नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो हम चलते हैं सिंपली ट्रेंडिंग न्यूज पे, या आपने यहाँ पे चलते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पे, ठीक है। यहाँ आएंगे हम, यूपीएससी एनडीए है, खोल लिया हमने आर्टिकल। अब नीचे आओगे तो आप देखोगे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देखो क्या है, आर्मी विंग डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करोगे अगर तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, क्योंकि देखो 12वीं पास लिखा है, 10+2 पैटर्न डिसिप्लिन स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब आपको नॉर्मल जो भी कॉमर्स है, बायोलॉजी है, पीसीएम में अप्लाई कर सकते हैं या मेडिकल है। वही आपको देखो एयरफोर्स एंड नवाल विंग के लिए आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि 12वीं पास अप्लाई तो करेंगे, साथ में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए यानी कि पीसीएम होना चाहिए तो ये फॉर्म भर पाओगे। और आपको साथ में ये भी बोला है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी इस साल पास आउट किया है, जिसका रिजल्ट आने वाला है, वो भी आपको इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? तो ऐसा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिनेश पूछते हैं जोधपुर सर, जोधपुर यानी कि राजस्थान, चलिए देखते हैं राजस्थान में कौन सी जॉब है। देखो अच्छा, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो एनडीए के लिए दिनेश, आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे 4 से 7 मांगा है, 2004 से 7 जनवरी, डेट देख लो उसके बीच में होगा तो ही आप फॉर्म भर सकते हो एनडीए वाला, ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भर सकते हो। चलिए देख लेते हैं जोधपुर में यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है चार वैकेंसी तो सारे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, पोस्ट ऑफिस की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, यूपीएससी एनडीए व यूपीएससी सीडीएस की। मैंने एक बार डिटेल आपको बता दिया है, अब हम चलते हैं रिक्रूटमेंट हब वेबसाइट पे और चलते हैं राजस्थान स्टेट में और आपको आप बता देते हैं चार जॉब आपके लिए भी है, मैंने जो बताई है आपको वो वाली, ठीक है। बाकी उसके अलावा आपके स्टेट में कौन सी वैकेंसीज हैं चलिए देख लेते हैं। तो देखो पहली वैकेंसी आपके स्टेट में जो है वो आपको है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से, यहाँ पे ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन की वैकेंसी है, सैलरी मिलती है 20,000 के अराउंड, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो है वो आपको है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से, यहाँ पे 6,000 स्कूल लेक्चरर PGT के पोस्ट है, इसके लिए PG डिग्री विथ BEd और DLED वाले अप्लाई करेंगे, सैलरी काफ़ी अच्छी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
अगली वैकेंसी का डेट निकल चुका है, तो ये दोनों वैकेंसी है प्लस 4 वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट से है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है नरेश का। नरेश पूछते हैं, अच्छा एज तो मैंने बता दिया आपको यूपीएससी एनडीए का, एज क्या है आपको स्पेसिफाई कर दिया है, तो वहां पे डेट अगर कोई बोल रहा है 2 साल से 5 साल के बीच होना चाहिए, मतलब आपको 3 साल 4 साल वाले अप्लाई करेंगे, अब उसके बाद भी पूछ रहे हो कौन अप्लाई करेंगे, तो ये तो क्या बोलो। चलिए अनुराग बोलते हैं, चलो ओके सर ठीक है। चलो नरेश का सवाल फिर से आया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर विकलांग के लिए, अच्छा इसका मेरे पास कोई अपडेट नहीं है इस वैकेंसी का, क्योंकि ऐसा कोई भी वैकेंसी मैंने नहीं बताया है। अगर मैं बताऊंगा जिस वैकेंसी का, उसी का डिटेल्स आपको बता पाऊंगा, क्योंकि आप कहाँ से वैकेंसी देख के आ रहे हो, रियल है कि फेक है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जितनी भी रियल वैकेंसीज आती है ना मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बाकी उसके बाद आप कौन सी वैकेंसी देखते हो तो उसका डेटा मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है फेक हो। ठीक है, अच्छा दिनेश कुमावत बोलते हैं, हेलो सर, हेलो दिन। नरेश पूछते हैं, चलो ठीक है, एज 24 ग्रेजुएट, तो आप अप्लाई कर सकते हो तो बहुत सारी वैकेंसीज के लिए, जितनी भी वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ, या फिर जाके आप यूट्यूब चैनल पे देखो जितनी भी वैकेंसीज मैंने बताया है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में है, सबके लिए फॉर्म भर सकते हो। एसएससी के लिए फॉर्म, ग्रेजुएट हो तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, यूपीएससी सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। हेलो मीरा जी, देन आपको अगला सवाल जो है वो आपको, अच्छा मीरा जी का सवाल आ रहा है कि आप टीचर्स की जॉब बताओ यूपी के लिए, तो चलिए हम देख लेते हैं टीचर्स की कौन सी वैकेंसीज आपको यूपी में या फिर कहीं भी, तो हम चलते हैं आपको टीचर्स के सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर की कैटेगरी है, हमको सिंपली नीचे जाना है, तो आप देख सकते हो जो उत्तर प्रदेश टीचर की वैकेंसी है वो आपको सैनिक स्कूल में आई है, 20 टीचर्स की वैकेंसी है, और इसके लिए ग्रेजुएट साथ में बीएड वाले अप्लाई करेंगे, सैलरी आपको अच्छी मिल जाएगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो आपको टीचर्स के लिए वो आपको है सर्व शिक्षा अभियान से, और यहाँ पे 319 टीचर की वैकेंसी है अकाउंटेंट व अन्य पदों पर, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट साथ में बीएड वाले अप्लाई करेंगे, सैलरी अच्छी मिल जाएगी, और ये केवल महिलाओं के लिए है, और इसका डेट शायद निकल गया है, इसका लास्ट डेट 18 तारीख की था, तो अभी फिलहाल आपको एक ही स्कूल में मिला जी। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है अनुष्का का, ये पूछती हैं सर टेल मी नागपुर महाराष्ट्र की वैकेंसीज, तो नागपुर महाराष्ट्र में भी 4 वैकेंसीज हैं फिलहाल, पोस्ट ऑफिस की इंडिया पोस्ट में है, 39,000 का फीस फ्री है, एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, जो भी मार्क्स आपने लाया है 10th क्लास में उसके परसेंटेज पे वो आपको जॉब पे रख लेते हैं। दूसरी वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरी वैकेंसी है आपको यूपीएससी एनडीए में 12वीं पास के लिए, चौथी है आपको यूपीएससी सीडीएस में ग्रेजुएट के लिए। अब हम चलते हैं और आपको बताते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सी इसके अलावा वैकेंसीज हैं, तो महाराष्ट्र की कैटेगरी में चलते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पहली वैकेंसी जो है वो आपको मोबाइल के डिपार्टमेंट से, यहाँ पे कंसल्टेंट के पोस्ट है, और ये रिटायर्ड पर्सन की जॉब है, फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो है आपको महाराष्ट्र में वो आपको है नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, पनवेल से, और यहाँ पे 255 स्टाफ नर्स व अन्य पदों पर वैकेंसी है, जिसके लिए ANM GNM DMLT MBBS MD अप्लाई करेंगे, सैलरी मिलेगी 18,000 से 80,000 रुपये की, कोई एग्जाम नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये पनवेल की वैकेंसी है। अगली महाराष्ट्र में जो है वो आपको है MSC बैंक में 195 ट्रेनी जूनियर ऑफिसर व क्लर्क की वैकेंसी है, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी MSC बैंक की वैकेंसी है महाराष्ट्र की। अगली वैकेंसी भी बैंक से ही है महाराष्ट्र में, और ये वैकेंसी है DNS बैंक से, यहाँ पे आपको 31 असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट हैं, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी एज पर रूल्स है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
अगली वैकेंसी जो है दोस्तों वो आपको है महा ट्रांसको से। यहाँ पे 233 असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट हैं बी बीटेक के लिए। सैलरी 26 है और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करें महाराष्ट्र में, तो अगली वैकेंसी जो है वो आपको है, इसका डेट निकल चुका है 12 मई को, इसका डेट पार हो गया, तो फिलहाल इस वैकेंसी का फॉर्म आप नहीं भर सकते हो। तो जो वैकेंसीज मैंने बता दी अभी फिलहाल महाराष्ट्र में उतनी ही वैकेंसीज हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आ रहा है बिहार का जॉब मैंने बता दिया है जैकी पटेल। अगला सवाल विनू से है, वो पूछते हैं कोई भी जॉब 40+ ईयर होती है एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है, तो वो आप इस तरह बोलोगी एज के हिसाब से, वेबसाइट पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि मैं आपको जॉब आपके एज के हिसाब से बता पाऊँ, तो आपको हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देखने पड़ेंगे कि कौन आपके लिए, या फिर वेबसाइट पे जाके खंगालिए कि कौन 40+ एज वाली वैकेंसीज हैं। और जनरल हो तो छोड़ दो, 40 के अबव में गवर्नमेंट जॉब जनरल वालों के लिए कोई भी नहीं मिलेगी आपको। हाँ SC ST हो, SC ST हो तो आपको आपके लिए जॉब होगी वहाँ पे। चलिए अगला सवाल जो है वो पप्पू का है। मैंने राजस्थान की जॉब बता दी है पप्पू, राजस्थान में अभी फिलहाल कोई वैकेंसीज नहीं है। 4 वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इंडिया पोस्ट में 40,000 वैकेंसीज बिना एग्जाम की, दूसरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, तीसरी है CDS NDA में 12वीं पास के लिए, देन आपको है एक CDS NDA में 12वीं पास के लिए, और गड़बड़ हो गया, पोस्ट ऑफिस में है 10वीं पास के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में है 10वीं पास, 12वीं पास ग्रेजुएट के लिए, तीनों के लिए, NDA में है 12वीं पास के लिए, CDS में है ग्रेजुएट व BTEC के लिए, राजस्थान की, ठीक है। चलो अगला मैं सवाल देखता हूँ, रविंद्र का सवाल है बिहार के, बताएं बिहार का मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, जैसे 4 वैकेंसी मैं बता रहा हूँ जो उसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हो। अनुष्का महाराष्ट्र का पूछ रही है। अनुष्का मैंने महाराष्ट्र की जॉब बता दी है, आपने शायद नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना। राजस्थान की भी जॉब बता चुका हूँ मैं, देन अनुष्का महाराष्ट्र की बता चुका हूँ। दीपांशु ब्रो नेवी का बताओ, नेवी में भी फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। नेवी में जाना चाहते हो तो आपको जाना होगा या तो UPSC NDA के थ्रू या फिर CDS के थ्रू, 12वीं पास, ग्रेजुएट, BTEC, ये तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेवी में भी फिलहाल कोई जॉब नहीं है डायरेक्ट। जैकी पटेल पूछते हैं सर ICG इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी बताओ। ICG में भी फिलहाल वैकेंसी नहीं है। जो आई थी पहले उसका डेट निकल चुका है, अब फ्यूचर में आएगी तो मैं बता दूंगा। अच्छा अगला सवाल है अरूप दास का, वो पूछते हैं सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। चलो सही, डेटा एंट्री जॉब तो बताएं। डेटा एंट्री फिलहाल कोई जॉब नहीं है, अगर आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा डेटा एंट्री की एक वैकेंसी आई तो हुई है, देख लेते हैं शायद मिल जाए डेटा एंट्री जॉब, लेकिन वो आपको गवर्नमेंट की है, वो आप सोचोगे अगर पार्ट टाइम हो तो पार्ट टाइम ही जॉब नहीं है, ठीक है। देख लो आप बेसिल में आइए, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, बेसिल की वैकेंसी है डेटा एंट्री की। यहाँ पे आपको 86 डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट हैं जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मिलती है 21,184 रुपये की, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल ऑफ मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जॉब उत्तर प्रदेश में मिलेगी। चलो चलिए, तो आज का सवाल यहीं पे हम खत्म करते हैं, आज का सवाल जवाब का सिलसिला। अब हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो में और आपको आपके सवाल के जवाब देंगे, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है।